हेलो दोस्तों, आज मैं व्हाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। पहले पानी बॉईल करके नमक और तेल ऐड करके फिर पास्ता डालना है और इनको 80% पका लेना है, उबाल लेना है। ये मैंने लिया है ब्रोकली, इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और थोड़ा सा तेल और इनको भी एक बॉईल लाने तक मैं बॉईल कर लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं सॉस बना लेती हूँ। ये ऐड किया है मैंने बटर और मैदा, इनको अच्छे से भून लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है और एक खुशबू आनी चाहिए इसमें, इतना हमने मैदे को भूनना है। और मैदा भूनने के बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूँगी, एक साथ दूध नहीं डालना है। और मैं हाथ चलाते रहूँगी ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब मैंने दूध इसमें पूरा ही ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, फिर इन सबको मिक्स कर लूँगी। सॉस को अच्छे से पकाना है। ये हमारा सॉस पक गया है और ये मैंने बारीक चॉप किया हुआ ब्रोकली इसमें ऐड कर रही हूँ। बॉईल नहीं करना है तो सॉटे भी कर सकते हो इसको। सॉस हमारा तैयार है, पास्ता भी बॉयल है तो ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसमें पास्ता ऐड कर रही हूँ। पास्ता ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लूँगी और इसमें चीज़ ऐड करूँगी और मिक्स करके इसे सर्व कर लूँगी। दोस्तों, मैंने जोमेटो पे किचन क्लाउड किचन ओपन किया है तो लिंक शेयर किया है, तो प्लीज़ आप देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक